C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। थैंक गॉड तुम मिल गई। मैं कितना के साथ है। अब क्यारा हमारी बेटी है ना, हमें उसके पास जाना चाहिए। आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि जब मुझे ट्रॉफी मिली थी तो आप मेरे साथ नहीं थे। मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आप मेरे सुपरमार्केट से नहीं मिल पाई। यार आप पहला साइड इफेक्ट, आपको लोगों की बातें समझ में नहीं आती। मुझे भी लग रहा है बुला के, लेकिन अभी हम दोनों ने ये लकी आज मुझे किसी ने लव पे लेक्चर दिया। डिजायर, लोनलीनेस। और कौन है ये समझदार जिसने आपको ये सब समझाया? अभिषेक प्रेम मेहरा कह रहा था अपने प्यार से झगड़ा कर लो, डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन कभी अक्यूज मत कर। अक्यूज करोगे तो तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। मैं उससे कि उसने भी कभी अपने प्यार को अक्यूज किया था और उसका प्यार बहुत दूर चला गया और अभी वापस नहीं आया। मिस क्राइंग इससे पहले तो कभी उसे ऐसे नहीं देखा। एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत प्यार करता होगा उससे। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मिस्टर किंग सिंह, इट्स मी किंग। यू आर अंडर अरेस्ट। एक नाबालिग लड़की का अपहरण का केस है। तरुण को हेल्प किया इन्होंने नेहा को घर से भगाने में। ले चलो इन्हें। Mr. King Singh, it's me, King. You are under arrest. एक नाबालिग लड़की का अपहरण का केस है। तरुण को हेल्प किया इन्होंने नेहा को घर से भगाने में। ले चलो इन्हें। आप मुझे और मिस्टर सिंह को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए जानबूझकर आपने उन्हें जेल भिजवाया। हाँ, मैंने जेल भिजवाया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबकी वजह सिर्फ आपकी जलसी। आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उनकी जिंदगी में हूँ, आपकी नहीं। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आपने जेल भिजवा दिया। हाँ, मैं हूँ जलस। I am जलस। मतलब आपने उन्हें अरेस्ट करवाया और मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही थी। हाँ, मैंने उसे अरेस्ट करवाया। तो अब अगर वो लोग तरुण से या तरुण के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, उस घर के सारे फोन टैप करवा दें। हेलो, कौन? मैं मोहन ब्रिजवासी बोल रहा हूँ। मैडम, आपके लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आज हमारे होटल में एक लड़का एक लड़की से करने आया है। लड़के का नाम तरुण सिंह है और लड़की का नाम नेहा मेहरा है। अंदर आने के बाद तुम ये सवाल तो पूछ सकती थी कि ये 206 कमरा ही है ना। अरे, अंदर आते हुए 206 था, घुसने के बाद थोड़ी ना 207 हो जाएगा। तरुण और नेहा कहाँ है? मेरी जेब में। मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन फिजूल सवाल कर रही हो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तरुण और नेहा कहाँ है? पता है मुझे होकर। ओह नो, इन्होंने दरवाजा ही तोड़ दिया। नेहा, नेहा यहाँ तो नहीं है, छुप तो नहीं गए? पर इस छोटे से रूम में कहाँ छुप सकते हैं? नेहा, नेहा कहाँ गए दोनों? कमाल है, गायब तो नहीं? ओ नो, भाग गए। तरुण, तरुण, नेहा, तरुण, तुमने कार पेट्रोल भरवाने क्यों भेज दी? अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टैक्सी भी नहीं है। नेहा, तुम्हारे चाचू हमें ढूंढने के लिए हमारे रूम में गए हैं और उनको जब पता चलेगा कि हम वहां पे नहीं है तो
वो मेरे भाई किंग की कार को ढूंढेंगे और उनको वहां से पता चलेगा कि वो कार पेट्रोल पंप के लिए गई है। और जैसे ही वो हमें ढूंढने के लिए वहां जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये किसकी कार है? ये भी मेरे भाई की कार है, वो एक्चुअली उनकी वाइफ यूज करती है। हमारे रूम में कौन है इस टाइम पे? वो शायद तुम्हारे चाचू और मेरे भाई ही होंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब होने वाला है, हमें ढूंढने वाले? वो जब मैं नीचे पानी लेने गया था तो क्या मोहन बाबू, इस बार कोई छुट्टी नहीं ली? परमानेंट छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, नहीं करना ही होटल शोटल की नौकरी। मतलब नौकरी छोड़ दोगे? कोई लॉटरी वोटरी लग गई है क्या? अरे ऐसा ही समझ लो। क्या है, हमारे होटल में तरुण और नेहा नाम की लड़की आई है। तरुण और नेहा? हाँ भाई, ये दोनों घर से भागे हुए, देखते ही शक हो गया था, लेकिन जब ये लोगों ने आईडी नहीं दिखाया, शक यकीन में बदल गया है। हो सकता होशियारी दिखाने के लिए आईडी ना दिखाया हो, पर एक बेवकूफ़ी कर दिया, अपना असली नाम बता दिया। मैंने क्या किया, तरुण के घर पे फोन लगा और 5 लाख का डिमांड किया। आ रहा होगा मनी मेरा। अरे वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझने वाले, नया नया प्यार है, नए प्यार में लोग लॉजिक नहीं देखते। प्यार में लॉजिक नहीं होता? तुम्हें बड़ा पता है लॉजिक के बारे में। लॉजिक नहीं, लेकिन प्यार के बारे में तो पता है। तो तुम मुझे समझा रही? चैलेंज कर रही हूँ कि मैं पहले पहुंचूं। पता है, तुम अगर रिक्वेस्ट करती ना तो शायद पहुंच जाती, लेकिन अब मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। आप हारेंगे। मैं नहीं मानती शादी को, मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं रखता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो। मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर ना, क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। गुड्डन उर्फ तुम से ना हो पाएगा से हुई एक और गलती, खो दी है उसने अक्षत की दी हुई अंतरा की रिंग। अब क्या अक्षत कभी माफ कर पाएगा गुड्डन को उसकी गलती के लिए? क्या गुड्डन की ये गलती बहुओं को रिश्ता तोड़ने में कामयाबी दिला पाएगी और बढ़ेगी गुड्डन के प्रति कौशल्या की नफरत? क्या ये फिर साबित हो जाएगा कि गुड्डन से कभी कुछ नहीं हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुम से ना हो पाएगा। मीरा का उसका तो ऑपरेशन शुरू हो गया ना? मैं ये ऑपरेशन किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। अगले हफ्ते देखिए आखिर दीवान क्यों नहीं चाहता कि मीरा की आंखों की रोशनी वापस आए। मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ सर, प्लीज मेरी बात के यकीन करिए सर। हर किसी को सजा देने वाले अंकल, अगर खुद गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। आपको सजा मैं दूंगी और वो भी सबके सामने। I really like what you're wearing. You're looking beautiful. Thank you. मनीषा आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। हमें तुमसे कुछ बात करनी है कबीर, इधर आना। जज मैडम, हम बहुत शर्मिंदा है, जो अपने मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला जाना चाहता था, उस रात हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। दीपक की गवाही ने साफ कर दिया है 5 साल पहले का दबा हुआ सच, पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वेदिका ने खो दिया है अपना आपा? क्या इस मुकदमे के फैसले से और वेदिका की नाजुक हालत से साहिल आ जाएगा और करीब वेदिका के? क्या अपने बच्चों के प्यार से जल्द ही ठीक हो जाएगी वेदिका? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।